नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित होने वाली मिनी मैराथन के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार को पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर के गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, अविनाश कौशिक, राकेश सेठी, मृदुल भाटिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नववर्ष समारोह समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 18 मार्च को सुबह 7:30 बजे मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न आयु के बालक बालिकाओं, महिला पुरुष भाग लेंगे। सभी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभी भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में एक मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें 5 किलोमीटर दौड़ होगी और ये सारे ग्रुप में होगी। हमारा इस दौड़ का मल्टीपल पर्पज़ है। पहले तो जो विक्रम संवत का जो भारतीय नववर्ष है उसके बारे में जानकारी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो उसको लोगों को अवेयरनेस करने के लिए और साथ में ही फिजिकल फिटनेस, हेल्थ और नशे के सभी के एक ज्वाइंट उसमें इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। नववर्ष के उपलक्ष्य में रन फॉर कल्चर मैराथन का आयोजन किया गया है। यह मैराथन 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें पुरुष एवं महिलाएं, बालक बालिकाएं सभी भाग लेंगे। इस प्रकार 6 वर्ग बन जाएंगे। इसके सभी वर्गों के 10-10 प्रथम 10 लोगों को हम प्राइज देंगे। इसमें फर्स्ट प्राइज इसमें 5100 रुपये की है, सेकेंड प्राइज इसमें 2100 रुपये की है, तीसरी प्राइज इसके अंदर 1100 रुपये की है और उसके बाद में 500 रुपये की 10 तक प्राइज इसमें रहेंगी। यह मैराथन मोती डूंगरी SMD सर्किल, कंपनी बाग रोड, चलती वापस मनुमार्ग। वहीं केडलगंज स्थित बीजेपी कार्यालय में नव संवत को लेकर मंडल अध्यक्षों, महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आज समाज में बढ़ते पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए नव संवत कार्यक्रम के जरिए आम जन को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता और नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना, UIT अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत, जिला महामंत्री संजय नरुका सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसकी पूर्व तैयारियों के लिए आज ये बैठक सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों की बुलाई गई है, जिसमें हमारे महामंत्री जिला श्री संजय नरुका, शहर के प्रभारी भाई अशोक जी, हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। इन सबको पार्टी संगठन की ओर से निर्देश दिए गए कि इस प्रकार से नव संवत्सर को आम जन तक पहुँचाकर आम जन का विषय चूँकि ये बना है, लगातार जैसे अंग्रेजी संस्कृति ने, विदेशी संस्कृति ने भारतीय नववर्ष पर अतिक्रमण जैसा किया है, उस अतिक्रमण को तोड़ते हुए हमारी जो भारतीय परंपरा है वो आगे बढ़ रही है और अब बहुत बड़ी श्रृंखला में अलवर शहर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उस कार्यक्रमों की श्रृंखला का निर्देश देने के लिए कार्यकर्ताओं को आज ये सब बैठक को बुलाया गया है, जिसमें हमारे प्रभारी जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश देकर ये बताया गया आपको किस काम की जिम्मेदारी कहाँ लेनी है। सभी कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ अपने अपने बताए गए काम को करने के लिए जुटेंगे और ऐसा मेरा मानना है कि पिछले लगभग 14-15 वर्ष से पुनः नव संवत्सर को जिस रूप में मनाया जाता था पहले, वैसे मनाए जाने की प्रक्रिया पिछले 14-15 वर्ष से प्रारंभ हो गई और हर वर्ष नव संवत्सर और तेजी से मनाए जाने का काम देश में और प्रदेश में और अलवर में होता है। अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा तिलक लगाकर, लोगों को मिठाई खिलाकर, मिश्री खिलाकर, मोली बंधन करके और भी अनेक पारंपरिक तरीकों से लोगों का स्वागत करके उनको नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी जाती है। इसी प्रकार से होप सर्कस पर बहुत बड़ा यज्ञ करके आमजन को यज्ञ के माध्यम से संदेश दिया जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम देशभर में होते हैं। भारतीयों के लिए नववर्ष यही है। जो अंग्रेजी नववर्ष है वो अंग्रेजों का है, लेकिन भारत में जो हमारा भारतीय नववर्ष है उस पर निश्चित तौर पर अंग्रेजी नववर्ष ने अतिक्रमण किया है और अब जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हम सब लोग इस भारतीय नववर्ष को मनाकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें विक्रम संवत हमारा स्थापित आज है और होगा। देश का बच्चा विक्रम संवत को मनाएगा कॉन्वेंट एजुकेशन के कारण से। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कॉन्वेंट एजुकेशन के कारण से हमारी जो मूल भारतीय परंपरा का नववर्ष है उसको मनाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे इसको लगातार हम लोग मनाते हैं तो अब आने वाले समय में लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है और आने वाले कल के जो बच्चे हैं उनको भी इस बाबत प्रेरणा मिल रही है, संबंध में प्रेरणा मिल रही है। लोग अब नववर्ष को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।